बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए आज आपसे शेयर करते हैं अपना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग, जिसमें हमने ट्रैवल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। इस वक्त हम जा रहे हैं लंदन हीथरो एयरपोर्ट, और जिस तरह से कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम कोच सर्विस में हैं, और ये नेशनल एक्सप्रेस कोच सर्विस है जिसके ज़रिए हम लंदन हीथरो एयरपोर्ट पहुँचे हैं। शाम के तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है जिस वक्त हम एयरपोर्ट पर पहुँचे हैं। हम इससे पहले अपनी कई वीडियोस आपसे शेयर कर चुके हैं ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा, आपको उससे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और आप उससे बहुत लुत्फ़ भी उठाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त लंदन हीथरो हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर इस वक्त दोपहर का टाइम है। तकरीबन यहाँ पर शाम के 6 बज रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये इंग्लैंड है और यहाँ पर टाइमिंग थोड़ी सी डिफरेंट है, तो यहाँ पर शाम के 6 बजे भी तकरीबन दोपहर ही हुआ करती है। और इस वक्त हम एंटर हो रहे हैं अपने टर्मिनल की बिल्डिंग में। तो यहाँ नेशनल एक्सप्रेस के ज़रिए हम हीथरो एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं। ये है लंदन का शहर और इसका बड़ा एयरपोर्ट जो कि हीथरो एयरपोर्ट है, उस पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर 2 एयरपोर्ट्स इसके अलावा गैटविक और ल्यूटन के भी मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मशहूर एयरपोर्ट हीथरो का है। तो आइए यहाँ पर हम अंडरग्राउंड ट्रेन के लिए टिकट्स ले लेते हैं, जिसके ज़रिए हम अपने टर्मिनल तक जाएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त काफ़ी मुसाफिर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लंदन हीथरो का एयरपोर्ट दुनिया का बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स में से एक है, तो यहाँ पर हर मिनट के बाद एक फ़्लाइट जारी होती है। इसके बारे में ये एक बहुत मशहूर कहावत है कि लंदन हीथरो एयरपोर्ट पे हर एक मिनट के बाद एक फ़्लाइट डिपार्ट करती है और एक फ़्लाइट लैंड करती है। तो यहाँ पर हमने अपने टिकट ले लिए हैं, तो अब हम लिफ्ट्स के ज़रिए अपना ट्रेन स्टेशन तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखें हैं जिस तरह से आपकी लिफ्ट भी काफ़ी वाइड होती है और काफ़ी सारे मुसाफिर इसमें आ सकते हैं अपने सामान के साथ। तो यहाँ हम टर्मिनल पर अपने जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पे आ चुके हैं। तो अब इस वक्त हम पहुंच चुके हैं अंडरग्राउंड ट्रेन स्टेशन पर। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा निज़ाम बनाया गया है, और यहाँ पर ये हमारे सामने एक ट्रेन आ चुकी है, लेकिन ये वो ट्रेन नहीं है जिस पर हमने सवार होने जिसका टिकट हमने लिया है, वो ट्रेन इसके बाद में आएगी। तो यहाँ बैठते हैं और थोड़ी देर वेट करते हैं जब तक कि हमारी ट्रेन आती है। तो ये ट्रेन रवाना हो चुकी है और अब हमारी ट्रेन भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो आइए अपनी ट्रेन में सवार होते हैं और चलते हैं अपने टर्मिनल की जानिब। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने टर्मिनल तक पहुंच चुके हैं ट्रेन के ज़रिए। तो आइए टर्मिनल में एंटर होते हैं और देखते हैं आगे के मामलात।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे मुसाफिर आ रहे हैं और डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर जाने के लिए अपनी अपनी फ़्लाइट्स के लिए सब एंटर हो रहे हैं टर्मिनल के अंदर। हम भी अपने टर्मिनल की जानिब जा रहे हैं और आगे जाकर तमाम मामला निपटाते हैं और आपको अपने साथ साथ रखते हैं। तो ये लंदन हीथरो एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 4 है जहाँ पर इस वक्त हम आए हैं। तो सामान के साथ ट्रैवल करना और फिर साथ में वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमारा कैमरा थोड़ा सा शेक भी कर रहा है, इसके लिए हम आपसे माजरत खा हैं। एयरपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको दुनिया के तमाम इलाकों के अफराद दिखाई देते हैं, तरह तरह की कम्युनिटीज़ के लोग नज़र आते हैं। कई मुसाफिर हैं इस टर्मिनल से जो अपने अपने मुल्कों को जा रहे हैं, अपनी अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। एशियन लोग भी हैं यहाँ पर, यूरोपियन भी हैं, अरब ममालिक, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ की तरफ जाने वाले लोग भी नज़र आ रहे हैं, चाइनीज़ भी नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी सूरत हाल होती है, आप पूरी दुनिया को एक जगह पर सिमटता हुआ महसूस करते हैं। तो जिस तरह से कि आप देख सकते हैं, इस वक्त यहाँ पर हम जा रहे हैं अपने टर्मिनल की जानिब और आपको अपने साथ साथ लेके जाते हैं। तो यहाँ हम टर्मिनल 4 पर जाने के लिए लिफ्ट में एंटर हो चुके हैं और लिफ्ट के ज़रिए अपने टर्मिनल पर पहुँचेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम अपने टर्मिनल पर आ चुके हैं और यहाँ पर एंटर होते ही हमें बहुत खुशी हुई जब हमने यहाँ पर मिडिल ईस्टर्न लोगों को देखा, तो एकदम से हमें एहसास हुआ कि जैसे हम अपने घर पहुँच चुके हों। एक अजनबी मुल्क में, एक अजनबी माहौल और अजनबी कम्युनिटी में जब आप किसी अपने को देख लेते हैं तो आपका दिल बहुत खुश होता है। यहाँ हमारे साथ ही एक फ्लाइट बीजिंग भी जा रही थी, उनको देखकर भी हमें बहुत ही खुशी हुई कि चाइना जा रहे हैं और चाइना पाकिस्तान का नेबरिंग कंट्री है, हमारा पड़ोसी मुल्क है। तो उन लोगों को देखकर हमें दिली खुशी हुई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के आपको प्रदेश में अपने किसी पड़ोसी हमसाए को देखकर खुशी होती है। तो यहाँ पर हमने अपना सामान वगैरह ले लिया है और अब हम जा रहे हैं इत्तेहाद एयरलाइंस की काउंटर की जानिब ताकि हम अपना सामान बुक करा सकें और अपना बोर्डिंग पास लें। तो आइए चलते हैं इत्तेहाद एयरवेज़ की काउंटर की जानिब। वो है TY018C, यही है ना, 2055। हाँ यहाँ मॉनिटर पर हमने चेक भी कर लिया कि हमारी फ़्लाइट का टाइम डिले वगैरह तो नहीं है, तो हमें यहाँ पे पता भी चल गया कि हमारी फ़्लाइट डिले नहीं है और हमें अपने गेट का भी इंफॉर्मेशन मिल गई है। तो यहाँ पर हमने देख लिया अपनी फ़्लाइट के बारे में, तमाम डिटेल हासिल कर ली है। तो ये EY018 हमारी फ़्लाइट है जो अबू धाबी जा रही है। तो अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, अपना गेट देख लिया है, हमारी फ़्लाइट भी टाइम पर है जो कि 9:55 पर है, यानी 9:55 पर। तो चलिए अब चलते हैं काउंटर की जानिब और अपने सामान वगैरह को बुक करवाते हैं और देखते हैं आगे के मामलात। तो चलते चलते यहाँ पर हम देखते जा रहे हैं कि डिफरेंट एयरलाइंस के काउंटर्स यहाँ पर काफ़ी बिजी हैं। यहाँ पर गल्फ एयर का काउंटर भी है, एमिरेट्स का भी है और साथ ही आगे जाकर इत्तेहाद एयरवेज़ का काउंटर भी नज़र आ चुका है। तो इत्तेहाद एयरवेज़ के काउंटर पर चेक इन शुरू हो चुका है, हमारी इकॉनमी क्लास की बुकिंग है। तो हम इकॉनमी क्लास की बुकिंग वाली एरिया में आ चुके हैं और यहाँ पर हमारे साथ ही एक फ़्लाइट तेल अवीव जा रही थी, यानी कि इसराइल, और स्टूडेंट्स का कोई ग्रुप उसमें जा रहा था जो कि काफ़ी एक्साइटेड नज़र आ रहे थे। तो यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं मोनीटर्स पर, इत्तेहाद एयरवेज़ की अबू धाबी की फ़्लाइट इकॉनमी क्लास का काउंटर खुल चुका है और वहाँ पर तमाम मुसाफिर अपना अपना सामान बुक करा रहे हैं। और यहाँ हमारी आगे ख़वातीन जब हवाई में हमें नज़र आईं, एक अजनबी मुल्क में जब अपने जैसे लोग नज़र आते हैं तो बहुत ही खुशी होती है। तो हम बार बार इसी खुशी का इजहार किए जा रहे हैं। तो आइए हम भी चलते हैं अपने हमसफ़र मुसाफिरों के साथ
और अपने अपने सफ़र के दीगर मामलों को निपटाते हैं। जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुसाफिर हैं, और ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन सब ने ब्लू कलर की शर्ट्स पहन रखी है और ये जा रहे हैं तेल अवीव। यहाँ काउंटर पे हमने भी अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा दिए हैं। हम क्योंकि सऊदी अरब जा रहे हैं तो हमें यहाँ पर अपना इकामा भी शो करना पड़ा, क्योंकि सऊदी अरब हमारा कंट्री नहीं है, हम उसके नेशनल नहीं हैं। तो हमने यहाँ पर अपना इकामा शो कराया जिसके ज़रिए हमारे वीज़ा की कन्फर्मेशन हुई है, और यहाँ हमारा सामान बुक हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सामान बुक हो चुका है, यहाँ पर तमाम मामलात खैरियत से निपटाए जा चुके हैं। यहाँ अब हम अपने बेटे को अल्लाह हाफिज़ कर रहे हैं। काफ़ी इमोशनल सा सीन होता है इस वक्त जब आप अपने बच्चों को या अपने प्यारों को छोड़कर जा रहे होते हैं, तो काफ़ी दिल उदास भी होता है और छोड़ने वालों का भी दिल उदास होता है, जाने वालों का भी दिल उदास होता है। लेकिन मिलना बिछड़ना ये सब ज़िंदगी का हिस्सा है, तो अल्लाह ताला सबको खुशियों के मौके पर एक दूसरे से मिलाए, सबके लिए हमारी यही दुआ है। हीथ्रो एयरपोर्ट पर अगर आप सफ़र करने जा रहे हैं तो याद रखिए कि आपके हैंड कैरीज में कोई लिक्विड मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास वाटर बॉटल या छोटी मोटी कोई लिक्विड हैंड लोशन वगैरह मौजूद हैं तो उसको यहाँ पर सील बंद लिफाफे यानी कि जिप लॉक बैग में बंद कर दिया जाता है, और एक ख़ास क्वान्टिटी से ज़्यादा यानी 50 ml से ज़्यादा आपके पास लिक्विड नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे यहाँ पर अब चेक इन करके हम आ चुके हैं, और इस वक्त यहाँ पर टाइम हो रहा है 8:39। तो अभी हमारे पास फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है, तो आइए एयरपोर्ट पे घूमते फिरते हैं और देखते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। तो हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल नंबर 4 है यहाँ पर जिस वक्त हम पहुँचे हैं, और यहाँ कतर एयरवेज़ का अमला बैठा हुआ नज़र आ रहा होगा आपको भी, तो ये भी अपनी फ़्लाइट के इंतज़ार में हैं। और इस वक्त यहाँ पर काफ़ी गहमा गहमी है, बहुत से मुसाफिर आ रहे जा रहे हैं, और बच्चे बड़े बूढ़े सभी अपने अपने सफ़र की तैयारी में बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं अपनी अपनी फ़्लाइट्स के। तो आइए हम ज़रा सा एयरपोर्ट को घूम फिर कर देख लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आउटलेट्स भी हैं, डिफरेंट ब्रांडेड परफ्यूम्स के भी हैं, इसके अलावा यहाँ पर आपको सुवेनियर्स वग़ैरह भी मिल जाते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, स्वीट्स वगैरह हैं, बच्चों के टॉयज़ हैं। ये देखिए सामने WH स्मिथ की आउटलेट आप देख सकते हैं, इसके साथ ही यहाँ पर एक आउटलेट मौजूद है जिसमें काफ़ी अच्छे सुवेनियर्स वगैरह मिल रहे थे, आप अपने साथ यादगार के तौर पर ले जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको खाने पीने की अशिया के भी काफ़ी काउंटर्स नज़र आ जाएंगे, और यहाँ पे कॉफ़ी भी आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। फूड के लिए काफ़ी आपको यहाँ पर आउटलेट्स मिलेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी सारे मुसाफिर बैठे इस वक्त टी कॉफ़ी वगैरह ड्रिंक्स से इंजॉय कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इनमोशन का एक सामने आपको आउटलेट नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे भी लोग काफ़ी शॉपिंग कर रहे हैं, ये ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं तो लोग यहाँ से काफ़ी शॉपिंग कर लेते हैं। इस तरह उनको ये भी आसानी होती है कि उनका ये जो सामान होता है इसका वेट आपके कैबिन बैगेज के वेट में शुमार नहीं किया जाता, तो आप आराम से यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। काफ़ी महंगी है यहाँ पे शॉप्स, लेकिन ये कि अगर आप किसी चीज़ के लिए खुसूसी लेके जाना चाहते हैं किसी के लिए और आप इससे पहले नहीं ख़रीद सके, तो आपको यहाँ पर ये मौका मिल जाता है कि आप चीज़ ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर जिस तरह से कि आप देख रहे हैं परफ्यूम्स के भी बहुत अच्छे आउटलेट्स मौजूद हैं, और अगर आप परफ्यूम्स का शौक़ रखते हैं तो यहाँ पर आप दुनिया के तमाम अच्छे ब्रांड्स के परफ्यूम्स बाय कर सकते हैं। तो ये टर्मिनल नंबर 4 है हीथ्रो इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुख्तलिफ मुसाफिर मुख्तलिफ एयरलाइंस से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर बैठे हुए हैं, सब अपनी अपनी फ़्लाइट्स के इंतज़ार में हैं, सबकी अनाउंसमेंट हो रही है, अपनी अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं, और सबके चेक इन हो रहा है और अपने अपने डेस्टिनेशन की तरफ सब जाने के लिए तैयार बैठे हैं। कई तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले लोग नज़र आ रहे हैं, तरह तरह के मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग नज़र आ रहे हैं, बहुत ही अच्छा सा माहौल नज़र आ रहा है। यहाँ पर हम भी खड़े अपनी फ़्लाइट के इंतज़ार में टाइम पास कर रहे हैं, टाइम किल करने के लिए यहाँ पर हम शॉपिंग एरिया कर में जा रहे हैं और यहाँ पर विंडो शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे शॉपिंग करने का कोई इरादा नहीं, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हैं, इसलिए हमारा बिल्कुल कोई प्लान नहीं है कि हम यहाँ से कुछ भी शॉपिंग करेंगे। यहाँ पर हमें बुक्स की भी बहुत अच्छी शॉप नज़र आई थी और बहुत ही अच्छी अच्छी बुक्स भी थी वहाँ पर, तो हमने भी विंडो शॉपिंग ही की है, हमने किसी बुक को ख़रीदने का इरादा नहीं किया।
और यहाँ पर इसके अलावा स्वीट्स, चॉकलेट्स की भी बहुत ही अच्छी वैरायटी मिल रही है। अगर आप अपने बच्चों के लिए या गिफ्ट्स के लिए लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो रूफ़ है उसके ऊपर रंग बिरंगी लाइट्स ऑन ऑफ हो रही हैं, तो ये बड़ा प्यारा सा मंज़र लग रहा है। एकदम से पूरा एयरपोर्ट कभी सब्ज़ रंग में, कभी गुलाबी रंग में, तो कभी नीले रंग में नहा सा जाता है। बड़ा खूबसूरत सा माहौल लग रहा है। तो यहाँ पर बहुत सी शॉप्स हैं और इस वक्त हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सुवेनियर की शॉप बहुत ही अट्रैक्टिव सी है और यहाँ पर लोगों का काफ़ी रश भी लगा हुआ नज़र आया है। यहाँ से लोग की चेन्स, डेकोरेशन आइटम्स और डिफरेंट तरह के सुवेनियर्स लेकर अपने अपने कंट्रीज़ में जा रहे हैं, यादगार के तौर पे भी और दूसरों को गिफ्ट देने के लिए भी। तो ये सुवेनियर्स की शॉप हमें बहुत अच्छी लगी है। तो आइए घूम फिर कर मज़ीद जायज़ा लेते हैं एयरपोर्ट का और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। हीथ्रो एयरपोर्ट के इस टर्मिनल पर आपको मनी चेंजर्स भी मिल जाएंगे, तो आप अगर अपनी करेंसी को चेंज करवाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर इजीली करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चार्जिंग करनी है अपनी मोबाइल्स की या दूसरे डिवाइसेस की, तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट्स भी लगी हुई हैं, तो आप अपनी डिवाइसेस को जितनी देर यहाँ पर स्टे करें तो वे आराम से फुल चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होता है। और चार्जिंग पोर्ट्स में आप अपने मोबाइल्स या डिवाइसेस को लगाकर चार्ज कर लीजिए ताकि आपके सफ़र के दौरान आपको आसानी रहे। तो आपके साथ हमने भी यहाँ पर बहुत अच्छी सी सैर कर ली है, पूरा टर्मिनल को खूब अच्छी तरह से घूम फिर कर देख लिया है। टर्मिनल अच्छा है लेकिन ज़्यादा जदीद नहीं है, जिस तरह से दोहा कतर का हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट या दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इतना ज़्यादा जदीद नहीं है। तो यहाँ पर आप हमारा बोर्डिंग पास देख सकते हैं। तो हमें, क्योंकि यहाँ से पहले लंदन से अबूधाबी और अबूधाबी से इसके बाद हमें रियाद जाना है, तो हमें दोनों यहाँ पे ही इशू कर दिए गए हैं बोर्डिंग पासेस। लेकिन हमें अबूधाबी एयरपोर्ट पर जो हमारा गेट नंबर है वो अभी इशू नहीं किया गया, वो वहीं जाकर पता चलेगा। तो आइए देखते हैं अपना गेट और उस पर हम जाते हैं। तो यहाँ इत्तेहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट के लिए 10B गेट नंबर दिया गया है। तो यहाँ पर अब हम बैठ जाते हैं और बैठकर अपने साथी हम सफ़रों के साथ वेट करते हैं बोर्डिंग के टाइम का, और देखते हैं हमारे के जो मुसाफिर बैठे हैं वो किन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे साथ मुख्तलिफ़ नेशनलिटीज़ के लोग बैठे हुए हैं और सभी इस वक्त अबूधाबी जा रहे हैं और सभी की ट्रांजिट फ़्लाइट्स हैं। तो यहाँ पर बैठ कर हम भी वेट कर रहे हैं और इंशाल्लाह अब से कुछ देर बाद ही बोर्डिंग का टाइम भी स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पर बैठते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं, और एक लंबा सफ़र आगे हमारे मंतज़र है, तो उसके लिए अल्लाह ताला से दुआ भी है कि अल्लाह ताला खैरियत का सफ़र तय करवाए और हमें अपनी मंजिल पर और दीगर मुसाफिरों को भी खैरियत के साथ पहुँचाए। आमीन। तो अब बोर्डिंग का टाइम यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है, तमाम मुसाफिर क्यू में खड़े हो गए हैं और हम भी अपनी क्यू में आगे खड़े हो गए हैं। और यहाँ पर हमने सब ने अपने अपने बोर्डिंग पासेस चेक करवाए हैं, और इसके बाद यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम टनल के अंदर आ चुके हैं और इसके ज़रिए अब हम एयर ब्रिज में एंटर होंगे और फिर अपने प्लेन की तरफ जाएंगे।
तो जैसे कि आप देख रहे थे यहाँ पे ये ट्रैक काफ़ी लंबा है और इसके बाद यहाँ पर अब एयर ब्रिज शुरू हो रहा है, तो इसके ज़रिए अब हम प्लेन में एंटर होंगे और फिर आपको अंदर जाकर दिखाते हैं प्लेन के अंदर का माहौल और साथ ही यहाँ का स्टाफ किस तरह का है, केबिन क्रू किस तरह का है, उनसे भी मिलते हैं। तो यहाँ तमाम मुसाफिर एंटर हो रहे हैं इत्तेहाद एयरवेज़ के प्लेन के अंदर और यहाँ पर इनके केबिन क्रू सबको खुशामदीद कह रहे हैं, सबके बोर्डिंग पासेस चेक कर रहे हैं और उनको उनकी सीट्स की तरफ गाइड कर रहे हैं। तो यहाँ हमने भी अपना बोर्डिंग पास केबिन क्रू को दिखा दिया है और उन्होंने हमें गाइड कर दिया है और यहाँ पर अब हम अपनी सीट की तरफ जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देखते जा रहे हैं तमाम मुसाफिर हमारे साथ अपनी अपनी सीट्स की तलाश में हैं। हमारी सीट 49 की है तो हम अपनी सीट की तलाश में हैं। तो जैसे ही हमें हमारी सीट मिलती है हम भी वहाँ पे बैठते हैं और इस सफ़र का अगला हिस्सा देखना मत भूलिएगा, जिसमें हम फ़्लाइट के दौरान तमाम तफसीलात आपको दिखाएंगे और इस सफ़र में पेश आने वाले मुख्तलिफ वाक़ियात से भी आपको आगाह करेंगे। उम्मीद है आप उससे बहुत लुत्फ़अंदोज़ होंगे और आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन भी हासिल होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।